Hello lovely ladies, welcome back to my channel Curves and Styles. मैं हूँ मिली और जी हाँ आज हम देखने वाले हैं ये ब्लैक एंड स्मोकी आईज लुक। जी हाँ, स्मोकी आईज आप किसी भी आउटफिट के साथ कैरी कर सकती हैं, ये बहुत अच्छा लगता है। वेस्टर्न आउटफिट्स हों, इंडियन आउटफिट्स हों, आप जिस भी आउटफिट के साथ इसको कैरी करेंगी ये स्मोकी आई लुक बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। और वैलेंटाइंस डे पे अगर आप इस तरह का मेकअप करती हैं तो आप सबसे ज़्यादा डिफरेंट नज़र आएंगी और सबसे ज़्यादा ग्लैमरस और सेक्सी नज़र आएंगी। सो हम टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करते और देखते हैं कि हमने ये आई मेकअप कैसे किया, ये मेकअप लुक कैसे अचीव किया है। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। हेलो, हम स्टार्ट करेंगे, अपने फेस को मॉइस्चराइज करेंगे इस पॉन्ड्स की क्रीम के साथ। मेकअप स्टार्ट करने से पहले अब ये मैंने टेप लगा लिया है सो दैट एक नीट लुक आए मेरे आई मेकअप में। पहले हम आई मेकअप करेंगे और ये मैंने लॉरियल का कंसीलर लगाया है और उसे मैं ब्लेंड कर रही हूँ। और अब मैंने ये वेट एंड वाइल्ड का कॉन्टूर शेड लिया है, इसमें से मैं ये बनाना पाउडर लेके अपने कॉन्टूर को सेट कर रही हूँ सो दैट मेरी आईलिड्स जो है क्रीज ना करें। और अब मैं ये मेबलिन का न्यूड पैलेट ले रही हूँ, इसमें से मैं ये जो ब्राउन है, ब्राउन के जितने भी शेड्स हैं लाइटर टू डार्कर यूज़ करूँगी, अपनी ट्रांजिशन से स्टार्ट करूँगी और इसमें और ज़्यादा डेप्थ देती जाऊँगी डार्क कलर से। और अब मैं ये कलोसल का काजल लूँगी और मैं अपनी अपर वाटर लाइन को फिल करूँगी क्योंकि मुझे बिल्कुल नीट एकदम ब्लैक ऊपर चाहिए अपना बेस। तो अब ये मैं थोड़ा सा जेल लाइनर ले रही हूँ ब्राउन कलर का और म्यूज़िक फ्लावर का जेल लाइनर है, इसको मैं ज़्यादा नीटली नहीं लगाना है क्योंकि हमने इसको ब्लेंड करना है और इसे मैं ब्राउन शेड से ब्लेंड कर दूँगी। और अब मैं ये फॉरएवर 52 का पैलेट ले रही हूँ, इसमें से मैं ये थोड़ा सा मरूनिश और बर्गंडी कलर है, इससे मैं इसको स्मज आउट करूँगी। बहुत ही सुंदर लग रहा था ये। और अब ये मैं थोड़ा सा शिमर शेड लेके अपने इनर कॉर्नर पे लगा रही हूँ और अपने ब्रो बोन को भी हाईलाइट कर रही हूँ। और अब मैंने ये टेप निकाल दिया है, ब्लेंड करना है आपको, ब्लेंडिंग मैंने ऑफ द कैमरा किया था, आप ब्लेंड बहुत अच्छे से कीजिएगा। और अब मैं ये स्ट्रोबिंग क्रीम ले रही हूँ स्विस ब्यूटी का इल्यूमिनेटर, ये फेस पे मैं प्राइमर से भी पहले लगा रही हूँ सो दैट एक बड़ा नेचुरल सा शीन सा ग्लो आए फेस पे। और देखिए इसी से कितना अच्छा लग रहा है फेस। और अब मैं ये नायका का जेल प्राइमर ले रही हूँ, ये हाइड्रेट भी करता है स्किन को, इससे पोर भी फिल हो जाते हैं। अब मैं ये दो जो है फाउंडेशन मिक्स कर रही हूँ, एक रिमल का और एक मेबलिन का, इससे मुझे एक बहुत ही प्यारा सा इफ़ेक्ट मिलेगा, फुल कवरेज इफ़ेक्ट मिलेगा फेस पे क्योंकि दोनों ही फुल कवरेज है। एक थोड़ा सा ड्यूई है, एक मैट लुक में है, तो बहुत अच्छा एक इफ़ेक्ट आएगा, आप देखिएगा। अब मैं ये अपने पॉइंट्स को हाईलाइट कर लूँगी और उसे ब्लेंड कर दूँगी अच्छे से और इसको मैं बाद में सेट भी करूँगी पाउडर से। ये नॉट कॉस्मेटिक्स का मैं कॉम्पैक्ट पाउडर ले रही हूँ, इससे मैंने पूरा फेस सेट कर लिया है, बहुत अच्छा लगा मुझे ये कॉम्पैक्ट पाउडर। और अब मैं ये कॉन्टूर शेड ले लूँगी, इसमें से वेट एंड वाइल्ड की कॉन्टूर पैलेट में से, और अपना फेस कॉन्टूर को, ये बहुत ही सटल सा कॉन्टूर करता है लेकिन मुझे इसका इफ़ेक्ट बहुत अच्छा लगता है, एक शेड आ जाते हैं आपके चेहरे पे, डायमेंशंस आ जाते हैं। और अब मैं ये नोट का ही ब्लश ले रही हूँ, ये नंबर 3 है, ये बड़ा ही सुंदर मुझे इसका इफ़ेक्ट लगता है, एकदम पीची सा पिंकी सा चीक्स लगते हैं। अभी मैं मेबलिन की आईब्रो पेंसिल ले रही हूँ, ये फैशन ब्रो पेंसिल्स हैं, मुझे बहुत अच्छी लगी ये, इससे मैंने अपने आईब्रोज किए। और अब मैं ये वाटर लाइन पे मेबलिन का काजल लगा रही हूँ, फिल कर लिया है अच्छे से और इसको मैं उन्हीं शेड्स के साथ स्मज आउट कर दूँगी जो शेड्स मैंने अपनी आईलिड के ऊपर लगाए थे ट्रांजिशन में, जिनसे मैंने सेट किया था। अब ये लास्ट में वही वाला शेड, बर्गंडी वाला, मरून एंड बर्गंडी सा शेड है, बहुत प्यारा, इससे स्मज आउट किया मैंने। और अब मैं ये स्विस ब्यूटी का मस्कारा लेके अपनी लैशेस को कोडूँगी, बहुत इजी लुक है, आप बहुत आसानी से इसको कर पाएंगे। और अब मैंने अपनी लैशेस को कर्ल किया है थोड़ा सा, मैं चाहती थी कि मेरी थोड़ी सी अच्छी लैशेस आए, क्योंकि इसके ऊपर मैंने लैशेस लगानी है। तो अभी थोड़ा सा मैं अपनी वाटर लाइन के ऊपर थोड़ा सा और ब्लैक कलर लगा लूँगी, जिससे कि मेरी जो लैशेस हैं उनको एक थोड़ा सा बेस भी मिल जाएगा। और अब मैं ये स्विस ब्यूटी की आई लैशेस लगा लूँगी। बहुत ही प्यारी है आई लैशेस ये। और अब मैं ये मेकअप फिक्सर से सेट कर लूँगी लॉरियल के। और अब जब ये सेट हुआ है, इसके ऊपर ही मैंने हल्के वेट के ऊपर ही मैंने हाइलाइटर लगाया है, जिससे हाइलाइटर ज़्यादा उभर कर आता है। ऐसा ये मेरा खुद का ट्रिक है, मुझे अच्छा लगता है इसके ऊपर ही हाइलाइटर लगाना। और अब मैं ये मेबलिन की सेल्फ स्टार्टर लिप शेड लेके इससे अपने लिप्स फिल कर लूँगी। और इसके ऊपर मैं ये नोट का ग्लॉस लगाऊँगी, अभी लगाऊँगी थोड़ी देर में। अब ये स्विस ब्यूटी का ही मैं लिक्विड आई शेडो लेके थोड़ा सा लिड के ऊपर मैंने इसे अपनी फिंगर से लगा लिया है, ग्लिटरी इफेक्ट आ गया है। और अब मैं ये नोट का ग्लॉस लूँगी और इससे अपने लिप्स के ऊपर लगा लूँगी। ये काफ़ी देर तक रहता है लिप्स के ऊपर। और आई लुक रेडी है। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा ये ग्लैमरस सा सेक्सी सा आई मेकअप लुक। सो अब मैं चलती हूँ। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है, ये मेकअप लुक अच्छा लगा है, तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और मैं आपको सबसे पहले दिखूं। तो अब मैं चलती हूँ, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, नया कुछ लेके आती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।